आइए फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं कि उनका जो सेक्स परफॉर्मेंस है उसका समय बहुत कम हो जाता है, कम होता है, उनको उसमें समाधान मिलता नहीं, ना पति को मिलता है ना पत्नी को मिलता है, और उसके लिए वो सलाह लेने के लिए आते हैं। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि एक मिनट के अंदर अंदर ही उनका वीर्य गिर जाता है और उसमें ना पत्नी को समाधान ना पति को, मतलब उनको खुद को समाधान मिलता है। तो लोगों को ये चाहिए कि उसमें समाधान मिलना चाहिए, और दोनों को समाधान मिलने इतना समय तक संभोग नहीं करना, मतलब नहीं जमता है, तो समझना कि वो शीघ्र पतन है। फिर से रिपीट करता हूँ कि पति पत्नी को, दोनों को भी समाधान नहीं मिल रहा है वो संभोग में, और उसके पहले ही वीर्य गिर जाता है, तो इसका मतलब वो शीघ्र पतन है और वो ज़्यादा देर तक टिकने वाला है नहीं। ऐसा संभोग का, ऐसी संभोग की वो प्रक्रिया है। अब उसको लंबा कैसे करना, वो समय लंबा कैसे होगा ताकि दोनों को समाधान मिलेगा, उसमें कुछ नेचुरल मैं आपको बताता हूँ। दवाई तो मैंने और कोई वीडियो में बताई हुई है, नेचुरल जो है नैसर्गिक प्रक्रिया क्या हो सकती है जिससे संभोग का समय बढ़ सकता है। एक तो क्या है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, कि यदि माइंड में पुरुष को यदि बहुत ज़्यादा उत्तेजना आ जाती है तो जल्दी वीर्य गिर जाता है। अब उत्तेजना समझो ज़्यादा आ जाती है तो उस समय क्या करना चाहिए, उत्तेजना बहुत ज़्यादा आती है तो उस समय यदि माइंड को शांत करना या कंट्रोल करना है तो अपना लक्ष्य अपने विचलित करना चाहिए, मतलब अपना लक्ष्य वहाँ फोकस न करते हुए अपने दिमाग में और कोई विचार लाना, जो हो सकते चिंता के विचार है और कोई परेशानी है और कोई टेंशन वाले विचार है या और कहीं अपना मन भटक देना, ताकि वो जो उत्तेजना मन को आई है वो उत्तेजना कम हो जाएगी और संभोग करने का समय बढ़ जाएगा। मन को शांत कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, संभोग करने के समय भी रिलैक्स कर सकते हो। उस समय सांस को कंट्रोल यदि आप करते हो और सांस आराम आराम से लेते हैं, आराम से लेना और आराम से छोड़ना, तो उससे भी शीघ्र पतन का समय, मतलब जो पतन जो होता है उसका समय बढ़ सकता है। हो सकता है कि संभोग ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं जल्दी गिर जाएगा, तो संभोग का समय उस समय वो संभोग ही रोक देना चाहिए और संभोग रोक के कुछ समय तक इंतज़ार करना चाहिए, एक या दो मिनट या तीन मिनट तक, और उसका जो एक्साइटमेंट है वो निकलने देना चाहिए। वो निकल गया एक बार एक्साइटमेंट, फिर से संभोग की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। दूसरा, मैंने कुछ इसमें बताया था वीडियो में कि स्टॉप स्क्वीज टेक्निक, उस समय पेनिस जो है, लिंग जो है, उसको पूरा प्रेशर से दबा देना है ताकि उसकी उत्तेजना निकल जाएंगी, उसकी कठोरता निकल जाएंगी, उसको रिलैक्स कर देने का है, उसको शिथिल करने का है। शिथिल करने के बाद में फिर काम क्रीड़ा करने की है, काम क्रीड़ा करने के बाद में फिर उत्तेजना आएंगी और कठोर हो जाएगा, और फिर प्रक्रिया करने की है संभोग की। फिर ऐसा लग रहा है कि जल्दी गिर जाएगा तो उसमें फिर उसको बाहर निकलने का है, उसको प्रेशर करके स्क्वीज करना है ताकि कठोरता निकल जाएंगी, वो शिथिल हो जाएगा, उसके बाद में फिर और दोबारा ऐसा 10 बार कम से कम करते हैं, और ऐसा बार बार करते हैं कुछ दिन तक, तो फिर शीघ्र पतन जो है वो होगा नहीं और फिर लंबे समय तक संभोग हो सकता है। वैसे धूम्रपान करना, तंबाकू, शराब पीना, यदि आदतें आप छोड़ देते हैं तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। वीर्य का पतला होना या गाढ़ा होना उसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि पतला हो गया इसलिए जल्दी गिरता है, वो एक कहानी है, उसमें कुछ मतलब नहीं है। या मांसाहार करना या मांसाहार करने से भी जल्दी गिर जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। शाकाहारी को भी वही प्रॉब्लम, मांसाहारी को भी प्रॉब्लम है, एक्चुअली उत्तेजना ज़्यादा। फिर होता क्या है कि यदि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी है कि नहीं भाई मेरा तो आज का बराबर प्रक्रिया होनी ही चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूँ लोगों को कि बहुत ज़्यादा उत्तेजना यदि आती है, बहुत दिन आपका गैप हो चुका है सेक्स में, तो पहले ही मास्टर्बेशन कर लेना, हाथ से निकाल लेना, और मास्टर्बेशन करके फिर रेगुलर संभोग करना, ताकि फिर सेकंड जो समय होगा, सेकंड अटेम्प्ट जो होगा, उसमें जल्दी गिरेगा नहीं और उस समय मज़ा आ जाएगा और उस समय वो एंजॉय कर सकेगा, तो वो भी एक कर सकते हैं। दूसरा एक है कि ज़्यादा गैप दिया तो जल्दी शीघ्र पतन होता है, तो ज़्यादा गैप भी देने का नहीं है, ज़्यादा गैप देते हैं तो फिर डेफिनेटली जल्दी गिरने वाला है, तो हम ये यदि इसका इस्तेमाल अभी तक मैंने बोला है करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो परफॉर्मेंस है उसका अवधि जो है समय वो लंबा हो जाएगा और दोनों को, पति पत्नी को, इसमें मज़ा आ जाएगा। इसमें इसके अलावा जो है दवाई का मैंने वो जिक्र किया है अलग अलग वीडियो में, जिसमें फ्लॉक्सिटिन है, डेपॉक्सिटिन नाम की गोली है, फिर बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो दे सकते हैं, फिर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को स्प्रे का भी फ़ायदा हो जाता है, जिसमें लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे जो है वो काम में आते हैं, तो ऐसे कुछ देखे हो जाता है। अभी एक नई नई गोली आ चुकी है वर्दाना फिल नाम की, तो वर्दाना फिल जो है गोली
तो मतलब दवाई, तो दवाई से भी कठोरता ज़्यादा अच्छी आ सकती है और लंबे समय तक वो संभोग का समय चल सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।